मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपकी जो टेक्स्ट बुक थी फर्स्ट फ्लाइट, उसके चैप्टर्स का अध्ययन किया था, और आज हम आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th की जो बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, तो आज हम इसके चैप्टर को समझने जा रहे हैं। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है जो है पार्ट 1 में, और इसको लिखा है जेम्स हैरियट ने, और इसका नाम है अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, मतलब ट्रायंफ यानी विजय प्राप्त करना, अस्पताल की विजय। किस प्रकार से अस्पताल की विजय कब होती है आप बता सकते हैं? जब कोई भी पेशेंट इसके हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो जल्दी से रिकवर होकर के स्वस्थ हो जाता है, तब क्या कहलाता है? वो उस अस्पताल की विजय कहलाती है। तो इससे एक छोटी सी स्टोरी ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया हुआ है, तो इस स्टोरी को हम समझेंगे, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक ट्रिकी नाम के पेट डॉग की है, यानी एक पालतू कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी था उसकी है, कि उसको उसकी मालकिन जो रहती है वो लाड़ प्यार में, क्या है ना, कई बार हम अपने पेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको हम बहुत ज्यादा इतनी सुविधाओं का आदि बना देते हैं, इतने हिसाब से उसको ओवर ईटिंग करा देते हैं कि वो क्या हो जाता है, उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है और वो बहुत मोटा हो जाता है। उस बच्चे उस कुत्ते को किस प्रकार से डॉक्टर सही करता है इसके बारे में ये बताया गया है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। उसके पहले आप अपनी बुक निकाल लें और रीड करते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब लिखने वाला लेखक बोल रहा है कि मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित था इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस And I was shocked at his appearance. उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज्यादा उस ट्रिकी नाम के पेट डॉग के लिए चिंतित था। जैसे ही मैंने अपने कार के गेट को खोला तो मैंने देखा कि सड़क पर वो अपनी मालकिन के साथ जा रहा था, लेकिन मैं उसकी अपीयरेंस को देख करके बहुत शॉक्ड रह गया। क्यों रह गया? एक डॉग को देख करके वो क्यों शॉक्ड रह गया? He had become usually fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. मतलब वो इतना ज्यादा मोटा हो गया था कि जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो समझ सकते हैं कि मसालेदार जो आते रहती है ना, पूरी तरह गोश्त से भरी हुई और उसके चारों तरफ सिर्फ उसकी टांगे दिखाई दे रही थी, इस प्रकार से वो ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, इस प्रकार से वो फूला हुआ, इतना ज्यादा वो फ्लैशी और इतना ज्यादा फैटी हो चुका था। हिज आईज ब्लड शॉट, और उसकी जो आंखें थी वो लाल रंग की, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन उसकी आंखों में आ गया था। रियूमी स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट ही हो गई थी, घुमा भी नहीं पा रहा था, इतना मोटा था, और उसकी जो जीभ थी लॉल्ड यानी लटक चुकी थी, उसके जबड़े के बाहर लटकी हुई थी। ऐसे मोटे कुत्ते को देख करके मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। कौन शॉक्ड हो गया? वो डॉक्टर, वो जो लिखने वाला है। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मिसिस पंफ्रे जो थी वो एक बहुत धनवाद महिला थी और वो इस अपने पेट डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही उनने उस डॉक्टर को देखा तो उससे क्या बोला, वो बहुत उतावली हो रही थी बताने के लिए कि मतलब ये जो कुत्ता इतना मोटा हो गया ना तो वो क्यों हो गया, उसकी सफाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा उतावलेपन से, He was so listless. अरे वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। मिस्टर हैरियट, मुझे ऐसा लगता है कि इस कुत्ते में कोई भी एनर्जी या कोई भी ऊर्जा नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण, माने किसी को ढंग से पर्याप्त जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं फूड के पर्याप्त वो नहीं मिल पाते हैं। तो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस कुत्ते में अब कोई एनर्जी नहीं बची हुई है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये कुपोषण का शिकार है।
अब आप बताइए, जो कुत्ता इतना मोटा है, इतना हेल्दी है, इसके बाद उसकी मालकिन को क्या कह रही है, ये कुपोषण का शिकार। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्सट्रैक्ट बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए ना, मैं जब वो खाना खाता है तो खाने से दूसरे खाने के बीच में जो अंतर होता है, पहले मील से लेकर सेकंड मील के बीच में भी उसको मैं कुछ ना कुछ खाने को देती हूँ ताकि इसमें एनर्जी बनी रहे। जैसे कि मैं सम माल्ट, माल्ट यानी मैं जौ देती हूँ, जौ का सूप दे देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल, कॉड मछली का मैं तेल दे देती हूँ, और उसके बाद में ना एक बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, एक बाउल भर के मैं हॉर्लिक्स भी उसको देती हूँ रात में, ताकि वो अच्छे से सो जाए। मतलब वो खाना तो देती ही है उसको, आप हंसेंगे, इसके साथ साथ उसको दो तीन चीजें और दे रही हैं। नथिंग मच रियली, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देती, मैं बस इतना ही उसको देती रहती हूँ ताकि ये हेल्दी रहे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट, ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? हैरियट पूछता है, अच्छा, आप इतना सब कुछ देती हैं, तो आप ये बताइए कि आपने कुछ इससे मीठा उसके खाने से कम किया है, कुछ शुगरी कंटेंट कम किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अब मिसेस पम्फ्रे क्या कहती है? ओ आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। अब इतने इतने मतलब इतने बोलेपन से आंसर देती, ना हाँ मैंने तो कुछ कोशिश की थी कि इसके कुछ स्वीट कंटेंट को कम कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए ना मैं इसको मना नहीं कर पाई, और मैं इसको क्रीम केक्स भी देती हूँ साथ में और चॉकलेट्स भी देती हूँ, और मैं इसको मना नहीं कर पाई खाने, उसको इतना पसंद है इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकती। मतलब वो अपने डॉगी से इतना प्यार करती है कि इतना तो दे ही रही है खाने को, उसके साथ में प्लस क्या दे रही है, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी देते जा रही है। मतलब हद है खिलाने की, यहाँ पर भी रुक नहीं रही है उनकी मैडम। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब वो फिर से उस छोटे कुत्ते को देखता है, दैट वॉज द ट्रबल, अब उसको समझ में आता है, अच्छा ये परेशानी, क्या परेशानी उस कुत्ते के साथ में, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी नाम का जो पेट डॉग है उसका सबसे कमजोर पक्ष क्या है, उसकी ग्रीड, ग्रीड यानी उसकी लालच, जो लालच है उस कुत्ते के अंदर, कौन सी लालच, इसको हम देखें, he had never been known to refuse food, he would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned। वो उस कुत्ते को देख के समझता, अच्छा तो इस कुत्ते की क्या सबसे बड़ी कमजोरी है, ग्रीड यानी उसकी लालच, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दिन भर खाते रहते हैं, कुछ भी उनके सामने आ जाए वो मना नहीं करते खाने के लिए। तो इस पेट डॉग की भी क्या था कि उसको कुछ भी खाने को देते रहो, पूरे समय खाएगा, पूरे दिन में हर घंटे खाएगा, रात के भी अगर वो जग रहा है तो उस घंटे में भी ये खाना खा लेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य ये हो रहा था, आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्यचकित था कि जो मिसेस पम्फ्रे है, जो उसकी मालकिन है, उसने इस बात को नोटिस नहीं किया। वो लगातार उसको खिलाए जा रही थी क्योंकि वो उसको इतना प्यार करती थी कि उसको मना नहीं कर पा रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तब फिर मैंने इससे एक क्वेश्चन और किया कि क्या आप इसको ढेर सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी, मैं आपको आप करवाती हैं इसको एक्सरसाइज, आप इसको व्यायाम करवाती हैं? क्योंकि पता है ना कि यदि हम फिजिकली रूप से व्यायाम ना करें तो हम कैसे हो सकते, मोटे हो सकते हैं और बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। सेम थिंग पेट्स के लिए भी अलाउ होती है कि यदि वो एक्सरसाइज ना करें तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो अब मिसेस पम्फ्रे क्या कहती है? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। हाँ, आप देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे मतलब जो सैर है, जो चलना है, वो मेरे साथ करता रहता है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैड बीन डाउन विथ लैम्बेगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब वो क्या बोलती, हाँ वो मेरे साथ चलता तो है साथ साथ में, लेकिन जो मेरा हॉजकिन जो माली था मेरे घर का, वो क्या, उसको कमर दर्द की परेशानी हो गई है, इसलिए वो जो रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज थी उस पेट डॉग की, वो नहीं हो पा रही, बहुत दिन से उसकी एक्सरसाइज बंद है। इसका मतलब कि ट्रिकी बहुत सारा खाना खा रहा है, ट्रिकी की मालकिन उसको लगातार खिलाई जा रही है, उसको कमजोर समझती हुई और ज्यादा खिलाती है, और उसकी इसकी एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही। आई ट्राई टू साउंड सीवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल।
यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. अब जो ये मिस्टर हैरियट रहते हैं, ये है हैरियट, आप इस पिक में देख रहे होंगे, और ये है मिसेस पम्फ्रे. तो क्या बोल रहे हैं, हैरियट बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर अब मैं आपको बिल्कुल तीखे शब्दों में बोल रहा हूँ कि यदि आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पेट डॉग बीमार पड़ जाएगा. आपको अपने मन को बहुत कड़ा करना पड़ेगा और उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा. ये किसने कहा, हैरियट ने कहा, मिसेस पम्फ्रे से. नेक्स्ट देखें बच्चों, मिसेस पम्फ्रे रंग हिज हैंड, हर हैंड. ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. शी सेट अप हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. अब जैसे ही कि मैंने मिसेस पम्फ्रे को बोला कि तुम इसकी इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो, इसको एक्सरसाइजेस कराओ, तब मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथ मले, मतलब हाथों को हाथों में लेकर के मलते हुए बोले, अच्छा अच्छा ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं निश्चित ही आप मैं श्योर हूँ कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये सब कराना सो डिफिकल्ट, बहुत कठिन है. सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कठिन है. उन्होंने अपना सिर झुकाया और बहुत ही उदास मूड से रोड के वहां जाने लगी. जैसे मैंने देखा कि नहीं, मुझे लगा और ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने तुरंत निश्चित कर लिया है कि अब मेरी दी हुई बातों को वो बिल्कुल तत्परता से मानने लगेंगी, इमीडिएटली वो उस पर प्लान करने लगेंगी. कौन सी दो बातें, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. पहला स्ट्रिक्ट डाइट, सेकेंड है एक्सरसाइज. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. He has a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब उन्होंने देखा कि वो जा रहा था ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ, तो छोटा ट्वीड कोट उससे पहना हुआ था, जो कि इस पिक में दिखाई दे रहा है. ये जो पहना है, इसका ट्वीड कोट है, और कितना मोटा लग रहा है, उसके छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहा है. तो उस पर वो टॉटरिंग, मतलब धीरे धीरे अपनी मालकिन के साथ जा रहा है, और उसके पास बहुत बड़ा वार्डरोब में कलेक्शन था कोट का. कैसा कोट, एक कोट, कुछ कोट ऐसे थे जो कोल्ड वेदर यानी ठंडे समय में पहनने जाने वाले थे, कुछ कोट उस पेट डॉग के ऐसे थे जो रेनकोट टाइप के थे, जो वेट डेज यानी बरसात के दिनों में पहनने वाले थे. मैंने ये सारी चीजें, और मैंने देखा कि किस प्रकार से वो स्ट्रगल कर रहा है उस कोट के अंदर पहन करके चलने में, मतलब बहुत ही मुश्किल से वो पेट डॉग जो है वो चल पा रहा. फिर लेखक ने ये सोचा कि मुझे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मिसेस पम्फ्रे मुझे दोबारा से फोन करेंगे. नेक्स्ट पैरा देखें, द एक्सपेक्टेड कॉल फ्रेम केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. He spent all his time laying on rug, panting. Didn't want to go for walks. Didn't want to do anything. जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ दिन बाद मिसेस पम्फ्रे का फिर से फोन आया. वो बहुत परेशान थी, परेशान होकर उन्होंने फोन किया. क्या फोन किया, उन्होंने कहा कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है. इवन वो अपनी जो फेवरेट डिशेज, उसकी जो कप केक्स थे, क्रीम केक थे, चॉकलेट्स थी, उन सबको भी नहीं खा रहा है. और उसके बदले क्या कर रहा है, लगातार उल्टी पे उल्टी करे जा रहा है, मतलब दौरे पड़ रहे हैं उसको उल्टियों के. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग. और वो हाफते हुए बस एक रग पे अपने लेटा हुआ है पूरे समय, कहीं भी वॉक पे भी नहीं जा रहा और कुछ भी करने को मना कर रहा है. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और जो हैरियट थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक प्लान बना के पहले ही रखा. जैसे उन्होंने ट्रिकी को देखा था उस दिन, उनके मन में पूरा प्लान आ गया था कि इस कुत्ते को उनको कैसे ठीक करना है. तो उन्होंने एडवांस में प्लान बना के रखा था कि इसको ठीक करने के लिए हमको उसके घर के
बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब ट्रिकी को उसके मालकिन का साथ छुड़ाना पड़ेगा, उसके घर से बाहर ले जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। फॉर्टनाइट यानी पखवाड़ा, पखवाड़ा होता है 15 डेज। 15 डेज को फॉर्टनाइट बोलते हैं, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं। जैसे हम वीक बोलते हैं एक सप्ताह को, यानी 7 दिन सप्ताह वीक, उसी प्रकार से 15 दिन फॉर्टनाइट पखवाड़ा। तो मैं 15 दिन के लिए इसको बाहर रखूंगा अपने ऑब्जर्वेशन में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो बेचारी महिला जो कि ट्रिकी को इतना प्रेम करती थी, बहुत दुखी हो जाती थी, रोने लगती है। उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, कहीं मैं मर ना जाऊं यदि मैं ट्रिकी को हर दिन ना देखूं। मतलब इतना ज्यादा उसको इमोशनल अटैचमेंट हो जाता अपने पेट डॉग से कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। बट आई टुक अ फ्रेम लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब क्या है, लेकिन हैरियट जो रहता है वो बहुत कड़ा निश्चय करता है, बहुत दृढ़ निश्चय करता है। क्या करता है, क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार रहता है तो एक रास्ता यही बचा रहता है कि उसको उसकी मालकिन से दूर ले जाया जाए और उसको दूर ले जाने में ज्यादा देर ना की जाए। अब देखें आगे क्या होता है, क्या ट्रिकी को उसकी मालकिन छोड़ देती है। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मैंने बिल्कुल बिना देर करते हुए मिसिस पम्फ्रे के रोते हुए चेहरे को भी देख करके मैंने देर नहीं की और मैंने उस छोटे से डॉग को कंबल में लपेट करके अपनी कार की तरफ ले आया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away as I moved off. Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful to the little coach through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब क्या होता कि अब क्योंकि मिसेस पम्फ्रे एक धनाढ्य महिला रहती है तो जैसे ही वो हैरियट उस पेट डॉग को अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है तो पूरा का पूरा स्टाफ उनके घर का जो रहता है, जो मेड्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, वो सब अंदर और बाहर होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं, क्योंकि वो ट्रिकी का को दिन वाला बिस्तर लेके आते हैं, ट्रिकी रात में कौन से बेड पे सोएगा वो वाला बिस्तर लेके आते हैं। ट्रिकी किन कुशन या तकियों पर लेटता था, एंजॉय करता था, वो फेवरेट कुशंस लेके आते हैं। ट्रिकी के टॉयज लेने जा रहा, कोई ट्रिकी के रबर रिंग्स लेने जा रहा, कोई उसका ब्रेकफास्ट बाउल लेने जा रहा, कोई इसका लंच का बाउल लेने जा रहा, कोई जिसमें वो लिक्विड टाइप के पदार्थ सपर बॉटल बाउल लेने जा रहा। इस प्रकार से ये सब यहाँ वहां दौड़ रहे थे, अंदर बाहर हो रहे थे कि ट्रिकी का पूरा सामान कैसे कैसे पैक कर दें, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था कि ट्रिकी जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा कि इतना सारा सामान, एक छोटे से पेट डॉग का इतना ढेर सारा सामान मेरी कार में नहीं आ पाएगा, मेरी कार में इतना सारा स्टफ नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने आगे जाना शुरू किया। जैसे मैं निकल रहा था, मिसेस पम्फ्रे जितने रोते हुए, जितने भी छोटे छोटे कोट ट्रिकी के जो कपड़े थे, कोट थे, उसने मेरे कार की विंडो से मेरे अंदर तरफ फेंके। और मैं देख रहा था जब आ रहा था कि सारा का सारा स्टाफ जो था, जो भी ट्रिकी से रिलेटेड था, सबकी आंखों में आंसू थे। मतलब सब ट्रिकी को बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे ट्रिकी अच्छा हो जाए। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। जब मैं रोड पर चल रहा तो मैंने देखा, एक झलक देखी कि बेचारा छोटा सा कुत्ता उस सीट पर बैठा हुआ मेरे बाजू की सीट में बैठा है। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने बहुत प्यार से उसके सिर को थपथपाया, सहलाया और उस Tricky ने बहुत ज्यादा एफर्ट करके अपनी पूंछ हिलाई। Poor old leg, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. बेचारा प्यारा कुत्ता, ओल्ड लेग ने पुराना कुत्ता, मैंने सोचा तुम एक किक भी नहीं मार सकते हो, तुम इतने बीमार हो गए हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें ठीक कैसे करूं। अब ऐसा कह के जो हैरियट है वो ट्रिकी को कहां ले आता है, हॉस्पिटल ले आता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी,
Tricky looked down at a noisy pet with dull eyes and when put down. Lay motionless on the carpet. अब क्या है, जब हॉस्पिटल में गए तो वहां और जो दूसरे डॉग भी थे, घरों के जो कुत्ते थे, वो आसपास हैरियट के आ गए और किसको देखने लगे, कोई एक नए मेहमान. कौन था नया मेहमान वहां? ट्रिकी. तो ट्रिकी को देखने लगे और देख रहे थे, और ट्रिकी ने भी नीचे देखा अपनी डल आइज से कि ये सब इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए. लेकिन वो सारे कुत्तों ने देखा कि ये तो मोशनलेस, बिना कोई गति किए, गति भी नहीं अवस्था में कारपेट पे लेटा हुआ है. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignore him. अब क्या है, जब एक कुत्ता पहुंचता तो बहुत सारे कुत्ते जो वहां मौजूद थे सब उसके पास पहुंच गए, उससे क्या करने लगे, फ्रेंडशिप करने लगे होंगे, उसको पहचानने की कोशिश कर, स्निफिंग है ना, उसको सूंघ रहे थे. सूंघने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत कुछ सेकंड वहां रुके तो देखा, अरे यार ये तो कैसी चीज है, इसमें कोई मोशन ही नहीं है. अनइंटरेस्टिंग मतलब कैसी चीज है, एक बिना इच्छा वाली, वैसी इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसी वाली चीज समझ के उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसकी ट्रिकी की उपेक्षा कर दी. तो बच्चों ये था आपका पार्ट वन. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिकी कैसे ठीक होता है. तब तक आप इस लेसन को बहुत अच्छे से बार बार पढ़ें और समझें. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि इसके बीच से जो क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप अच्छे से कर पाए.